के आंधी में ढेर हुआ शहजादा, नहीं मिल रही ऑडियंस। शाहरुख खान के आगे नहीं चले कार्तिक। 25 जनवरी को शाहरुख खान ने 4 साल बाद कमबैक कर बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कब्जा जमाया कि अभी तक कोई उन्हें हिला नहीं पाया है। 4 हफ्ते से पठान बॉक्स ऑफिस पर नॉनस्टॉप कमाई कर रही है। किंग खान को लेकर फैंस की दीवानगी ऐसी है कि उन्होंने शहजादे को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ कार्तिक की फिल्म शहजादा की बात हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर पठान की आंधी में कार्तिक की यह फिल्म डूब गई है। भूल भुलैया 2 की सुपर सक्सेस और ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद सभी को उम्मीद थी शहजादा शाइन करेगी, लेकिन ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। शहजादा का 3 दिनों का कलेक्शन सिर्फ 20.20 करोड़ है। शुक्रवार को कार्तिक की मूवी ने 6 करोड़, शनिवार को 6.65 करोड़ और रविवार को 7.55 करोड़ का बिजनेस किया। बीते 3 दिनों में कार्तिक की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सिक्का नहीं चला। धीमी शुरुआत के साथ फिल्म की कमाई लगातार सुस्त होती जा रही है। जब वीकडेज में मूवी का ये हाल है, एक भी दिन डबल डिजिट में कमाई नहीं हुई, तो सोचिए वर्किंग डेज में ये फिल्म किस आंकड़े पर सिमटेगी। कार्तिक ने शहजादा का जमकर प्रमोशन किया था। कई शहरों में फैंस संग रूबरू हुए। फैंस का दिल जीतने और अपनी फिल्म का बस बनाने के लिए कार्तिक आर्यन ने एरी चोटी का जोर लगाया, पर फैंस ने शहजादा को बुरी तरह नकार दिया था। कार्तिक और मेकर्स ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी फिल्म इतनी बुरी तरह फिटेगी। मूवी लवर्स सिनेमाघरों में शहजादा को छोड़ पठान को देखना पसंद कर रहे हैं। 4 हफ्तों बाद भी पठान का ही लोगों में क्रेज है। ऊपर से पठान के मूवी टिकट के दाम भी कम हो गए हैं। वीकडेज में आप पठान का शो महज 110 रुपए में देख सकते हैं। अब जब ऑडियंस के सामने इतनी मजेदार डील होगी तो यकीनन ही लोग शाहरुख खान के फिल्म को प्राथमिकता देंगे। कार्तिक की फिल्म को जहां दर्शक नहीं मिल रहे हैं, वहीं पठान ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। फिल्म वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमाने की ओर है। वहीं इंडिया में मूवी का कलेक्शन 500 करोड़ के पार हो गया है। पठान के आगे शहजादा फीका पड़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहजादा का ओरिजिनल वर्जन सुपर डुपर हिट हुआ था। कार्तिक की फिल्म अल्लू अर्जुन की 2020 में आई तेलुगु मूवी अला वैकुंता पुर्राम मालू की रीमेक है। साउथ की यह फिल्म सुपर हिट थी, पर 3 साल बाद आया इसका हिंदी वर्जन लोगों को अपनी ओर खींचने में नाकामयाब हुआ है। खैर, शहजादा फ्लॉप हो गई है, ये तो कंफर्म हो चुका है। फिल्म पहले हफ्ते में कितना कमाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। आपको कैसी लगी कार्तिक की फिल्म शहजादा?